रहे हैं अनगाइडेड मीडिया के बारे में। अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़े, कल हमने गाइडेड मीडिया पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। जो क्या है, वायरलेस बनाई गई है ताकि उसके सिग्नल सिस्टम से डेटा को ट्रांसफर किया जा सके। कल हमने पढ़ा था वो अनगाइडेड मीडिया था। वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी किसमें आ गई थी? वायर टेक्नोलॉजी में थी। लेकिन बट आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो सारी टेक्नोलॉजी कौन सी रहेगी स्टूडेंट्स? वो सारी की सारी स्टूडेंट रहेगी अनगाइडेड मीडिया में, जिसके अंदर वायर का यूज नहीं होता। ऐसा सिस्टम बनाया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि जिसके अंदर वायर का यूज ना हो। किसका यूज ना हो? वायर का यूज ना हो। और टेक्नोलॉजी कैसी रहे? वायरलेस रहे। तो इसके लिए कौन सा मीडिया आया? अनगाइडेड मीडिया आ गया। अब अनगाइडेड मीडिया के अंदर सबसे पहले हम ग्राउंड सिग्नल की बात करते हैं। सबसे पहले सिग्नल सिस्टम को समझते हैं। इसका एक सिस्टम होता है कि सिग्नल कितने टाइप से जनरेट होते हैं वो देखते हैं। सिग्नल, अब हम जो फोन सिस्टम का यूज करते हैं तो देखो हमारे पास एक सिस्टम से सिग्नल जनरेट किए जाते हैं। कभी भी सिग्नल जो होते हैं, जो आज हमें सिग्नल मिलते हैं, वो एक सिस्टम से जनरेट किए जाते हैं। इसके लिए क्या लगाए जाते हैं? सैटेलाइट लगाए जाते हैं। वो कहाँ लगाए जाते हैं? स्काई में एक सैटेलाइट स्टूडेंट लगाए जाते हैं। इस सैटेलाइट में क्या होता है कि इसके अंदर यहां से सिग्नल को सेंड किया जाता है, और जब ये सिग्नल को सेंड किए जाते हैं तो यहां पर ये सिग्नल हमारे घर पर पहुंचते हैं। तो हमारे घर पर पहुंचते हैं तो हम भी क्या करते हैं, इसी सिस्टम के द्वारा हमारे पास जो घर पे सिग्नल आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, और यहां से सिग्नल क्या करते हैं, यहां पर अपना फोक्स बनाते हैं। जो हम ये कहते हैं ना कि यहां पर जो सिग्नल, यहां पर एक फोक्स बनता है जिससे ये सिग्नल क्या होते हैं, एक जगह यहां इकट्ठे होते हैं, बाद में यहां पर फोक्स बनाते हैं और हमारे घर पर डेटा का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। यहां से डेटा क्या होते हैं, पहले हमेशा यहाँ ग्राउंड से जो डेटा होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। यहां से ट्रांसफर करने के बाद वो सिग्नल कहाँ जाते हैं स्टूडेंट? सैटेलाइट में। यहां से सैटेलाइट से वो सिग्नल हमारे यहाँ डेटा पहुंचाते हैं। तो ये सारा का सारा सिग्नल कौन सा हो गया? ये स्काई प्रोपगेशन हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। तो इस सिग्नल को अलग अलग टेक्नोलॉजी से यूज किया जाने लगा। अब आगे की हम टेक्नोलॉजी में देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या, ग्राउंड के ऊपर, मतलब जो सिग्नल स्काई सैटेलाइट से नहीं लिए जाते वो सारे के सारे ग्राउंड सिग्नल होते हैं। जो सिग्नल हम खुद जनरेट कर सकते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर करने के लिए कभी कभी हम किसका यूज करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं, ये टेक्नोलॉजी होगी, ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी होगी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्राउंड सिग्नल होते हैं, जो हम लोकल एरिया के अंदर क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं। कहां पर? लोकल एरिया में जनरेट करते हैं। वो सारे के सारे सिग्नल आपके किसमें होते हैं? ग्राउंड सिग्नल के अंदर होते हैं। जो मतलब आप खुद यहीं पर सिग्नल जनरेट करते हैं, जो स्काई के द्वारा और सैटेलाइट से जनरेट नहीं किए जाते, जो आप आसपास ही जो सिग्नल जनरेट करते हैं, जैसे आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर जो सिग्नल जनरेट करते हैं, वो सारे के सारे कौन से सिग्नल होते हैं स्टूडेंट? वो सारे के सारे ग्राउंड सिग्नल होते हैं। और ग्राउंड पे ये नहीं है कि यही सिग्नल जनरेट होते हैं, ग्राउंड के ऊपर और बहुत सारे सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं। आपको मैंने दो एग्जाम्पल बता दिए, एक वाईफाई का बता दिया, एक ब्लूटूथ का बता दिया। ये सिग्नल कौन से हो गए? हमारे ग्राउंड सिग्नल हो गए। अब ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे सिग्नल दिए जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम ऐसे किए जाते हैं, तो सारे के सारे किसमें रहते हैं? ग्राउंड सिग्नल में रहते हैं। पहले ये नोट करोगे स्टूडेंट और आगे हम देखते हैं। हाँ स्टूडेंट देखो, अब हम देखते हैं स्काई के बारे में। स्काई के अंदर, इसके अंदर बात करते हैं, जो सिग्नल यहां अर्थ से सेंड किए जाते हैं, जो सिग्नल यहां से अर्थ से जनरेट करके सेंड किए जाते हैं किसी एंटीना से, जो सिग्नल यहां से बनाए जाते हैं और सैटेलाइट में सेंड किए जाते हैं, किसी सैटेलाइट में सेंड किए जाते हैं और बाद में उसे, उस सिग्नल को हमारे द्वारा सिस्टम लगाकर उसको क्या किया जाता है, एग्जैक्ट किया जाता है। तो पहले सिग्नल को क्या किया जाता है,
इसमें डेटा ट्रांसफर करके सिग्नल को सेंड किया जाता है और बाद में इसी सिग्नल को एक सिस्टम से एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो सिग्नल हमें स्काई प्रोपगेशन से मिलते हैं या सैटेलाइट से बनते मिलते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, स्काई प्रोपगेशन में आते हैं। अब बात करते हैं हम लाइन ऑफ साइट सिग्नल, ऐसे एंटीना जो एक दूसरे के सामने लगाए जाते हैं, ऐसे एंटीना जो एक दूसरे के सामने लगाए जाते हैं और एक लाइन में ही डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है, वो सारे के सारे सिग्नल किस में होते हैं, लाइन ऑफ साइट में होते हैं। अब मैंने आपको तीन सिग्नल बताए, पहले पे द्वारा देखोगे कि ग्राउंड सिग्नल जो आप थोड़ी ही दूरी में या अपने आसपास जो सिग्नल जनरेट करते हैं वो सारे के सारे कौन से रहेंगे, ग्राउंड में रहेंगे। ग्राउंड सिग्नल में जो सिग्नल सैटेलाइट में सेंड किए जाते हैं और फिर बाद में उसे सिस्टम से एक्सेप्ट किया जाता है वो सारे के सारे किस में रहते हैं, स्टूडेंट स्काई प्रोपगेशन सिग्नल में रहते हैं। फिर होते हैं कि लाइन ऑफ साइट सिग्नल कौन से होते हैं, ऐसे एंटीना, ऐसे सिस्टम या एंटीना जो एक दूसरे के सामने लगाए जाते हैं और अलग अलग जगह लगाए जाते हैं और उनमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे के सामने लगाए जाते हैं और कुछ ऊंचाई पे लगाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए ये और एक दूसरे के सामने होने चाहिए तब इनमें डेटा ट्रांसफर का सिस्टम बनाया जाता है। तो ये सिस्टम किस में रहेगा, लाइन ऑफ साइट में रहेगा। तो हमने अभी तीन टॉपिक किए हैं इसके, किसके, अनगाइडेड मीडिया के, सिग्नल सिस्टम के, तो आप इसे नोट करेंगे। अब सिग्नल के अंदर ये भी हम देखते हैं कि इनकी स्पीड की बात करें, किलोहर्ट्ज, ठीक है, मेगा हर्ट्ज, ठीक है, इनकी बात करें तो ये 1 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट होकर कम से कम 2 मेगाहर्ट्ज तक हमें स्पीड ट्रांसफर करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट अनगाइडेड मीडिया में हम पढ़ रहे हैं रेडियो वेव, रेडियो वेव पढ़ रहे हैं, रेडियो वेव में हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। रेडियो वेव, रेडियो वेव की बात करते हैं, जो सिग्नल वही ग्राउंड से ट्रांसफर करना, ग्राउंड से सिग्नल को किसके लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, अब की बार रेडियो सिस्टम, रेडियो सिस्टम के अंदर हमारे सिग्नल आ जाते हैं जो रेडियो के लिए, टीवी, एफएम, आपने एफएम का नाम सुना होगा कि ये एक रेडियो चैनल है, तो इनके लिए सिग्नल जनरेट किए जाते हैं जो टीवी के लिए और एफएम के लिए, इनके लिए सिग्नल जनरेट किए जाते हैं। देखो सिस्टम की बात करें, आज हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो किसी टाइम में सबसे ज्यादा जो यूज हुआ था वो था रेडियो, रेडियो के बाद क्या यूज हुआ था, टीवी। अब रेडियो उसका नाम इस पे दिया गया जो सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, जो सिग्नल्स होते थे उनका नाम रेडियो था, जो सिग्नल था उसका नाम रेडियो था, उस सिग्नल से जो सिस्टम चला उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, रेडियो रख दिया। उसके बाद कौन सा सिस्टम आया था, उसके बाद ये सिस्टम आया था, कौन सा, टीवी का। तो इसके लिए क्या होते हैं, सिग्नल भेजने के बाद सैटेलाइट के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए, ट्रांसफर करने के बाद रेडियो सिग्नल ट्रांसफर करने के बाद ये अलग अलग एंटीना पर ट्रांसफर किए जाते हैं, कुछ एंटीना लगाए जाते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, टावर कहते हैं, ये सिग्नल यहां पर फोकस करते हैं और आगे से आगे बहुत लंबी दूरी पर, मैं एक बार इसको हटा रहा हूं, आगे से आगे अलग अलग टावर पर ट्रांसफर किए जाते हैं, अलग अलग टावर पर क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। अब यहां से क्या होता है, एक तो होता है यहां से सेंडर और एक होता है रिसीवर,
यहाँ पर एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, मतलब इतने दायरे में अगर कोई सिस्टम का यूज कर रहा है, रेडियो सिस्टम का यूज कर रहा है, तो उसके पास वो सिस्टम चलेगा। जैसे हमारे यहाँ पर क्या नहीं चलता, एफएम नहीं चलता। तो एफएम के लिए जब बात की जाती है तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एंटीना या टावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो टावर क्या करेगा, वो एंटीना क्या करेगा, जहां भी उसके आसपास का कोई एंटीना है उसके सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और बाद में उसके द्वारा वो सिग्नल यहाँ दिए जाएंगे और यहाँ पर वो सिग्नल क्या होंगे, रिसीव होंगे। रिसीव होने के बाद वो क्या किए जाएंगे, सेंडर हो जाएंगे। यहां से क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे और बाद में वो क्या हो जाएंगे, सेंडर। और यहां पर जो भी यूजर होंगे, यहां पर कोई यूजर होगा, ये यहां पर कोई यूजर होगा, वो इसका क्या करेगा, यूज करेगा, इन्हीं सिग्नल का क्या होगा, यूज होगा। तो ये क्या कौन सी होती है, रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है, जो किन से चलती है, जो एंटीना से चलती है। किसी टाइम में स्टूडेंट आप कभी घर पे पूछना, मैं आज के इसकी बात नहीं कर रहा जो आज आपने घर में डिश वगैरह या टाटास्काई वगैरह या डिश टीवी वगैरह इस सिस्टम का यूज करते हैं, वो तो प्रोपेगेशन सिस्टम है, लेकिन बट मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जब टीवी चलाने के लिए एक एंटीना का यूज होता था, एक एंटीना टीवी चलाने के लिए एक एंटीना लगाया जाता था। और इस एंटीना पे क्या होता था कि इसके और ये जो टावर होते थे इनका सिग्नल, मतलब इनके सामने आने से इसके अंदर क्या आ जाता था, वो सिग्नल एक्सेप्ट होता था और हमारे घर पर सिर्फ टीवी चलता था और उस टीवी में एक ही चैनल हुआ करता था। तो मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो ये कौन सा सिस्टम था, ये स्टूडेंट जो सिस्टम होता है ये कौन सा है, रेडियो वेव, ये सिस्टम रेडियो वेव होता है। ये 3 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट होकर, मतलब 3 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट होकर कितना हो जाएगा, 3 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट होकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होता है। जब सिग्नल वीक होता था, सिंपल सी बात है, कभी देखना जो रेडियो होता है, जो किसी टाइम में इस एंटीना बेस पे टीवी चलता था, तो सिस्टम ये होता था कि अगर सिग्नल या ये इसका थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस होता था तो इसका इफेक्ट रेडियो में भी देखने को मिलता था और इसका इफेक्ट टीवी में भी देखने को मिलता था। किस पे असर पड़ता था, क्वालिटी पे असर होता था, मतलब लो लेवल फ्रिक्वेंसी होने पर उसके अंदर वॉल्यूम वगैरह साफ नहीं आते थे। लेकिन आजकल जो सिस्टम हो गया वो कौन सा हो गया है, ये वाला हो गया है, जिसके अंदर कम से कम कोक्सियल केबल मैंने बताया था कितने चैनल एक्सेप्ट कर सकती है, 10,000 चैनल एक्सेप्ट कर सकती है और उनमें वॉल्यूम जैसा प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बताया वो सिर्फ डायरेक्ट इससे रहते हैं, उनके अंदर इन एंटीना का रोल नहीं होता, उसके अंदर सैटेलाइट होता है और हमारे द्वारा सिस्टम घर पर लगाए जाते हैं और डायरेक्ट इसी से सिस्टम रहता है, बीच में किसी भी तरीके के ऐसे एंटीना नहीं होते। लेकिन रेडियो वेव में क्या था कि उसमें सैटेलाइट के अंदर अगर कोई सिग्नल गया है तो उसको किसी एक एंटीना पे लाया जाता था और वो आगे से आगे अलग अलग एंटीना के ऊपर ट्रांसफर किए जाते थे। इनके बीच में कोई भी एंटीना जो यूजर के द्वारा लगाए जाते थे या जनरेट किए जाते थे तो उनको वो सिग्नल एक्सेप्ट होता था। आप किसी पुराने टाइम का रेडियो देखना स्टूडेंट, रेडियो के ऊपर एक एंटीना दिया होता था, अगर इसको निकाल देते थे तो चल गया, अगर इसको डाउन कर देते थे तो ये रेडियो नहीं चलता था। टीवी चलाना है तो उसके लिए भी घर पे एंटीना लगाना पड़ता था, जो मैंने यहां पे बता दिया, और रेडियो के लिए भी एंटीना होता था। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, किसी टाइम में सबसे पहले मोबाइल आए थे तो उनके ऊपर भी एंटीना होता था, उनके ऊपर भी एंटीना होता था। तो उसके अंदर कौन सी फ्रिक्वेंसी काम में ली गई थी, रेडियो वेव सिस्टम या फ्रिक्वेंसी काम में ली गई थी। तो स्टूडेंट ये हमारा कौन सा टॉपिक है, रेडियो वेव सिस्टम है, ये मैंने आपको बताया है, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन सिस्टम,
अब क्या होता है कि सिग्नल बना दिया, सिस्टम बना दिए, और सिग्नल को पहले चेक करने के लिए क्या सिस्टम होते थे, सिग्नल को चेक करने के लिए कोई ना कोई क्या होता था स्टूडेंट, हार्डवेयर होता था। क्या होता था? कोई ना कोई हार्डवेयर होता था। उसके अंदर क्या होता था? मीटर होता था। उस मीटर से क्या चेक किया जाता था? सिग्नल को चेक किया जाता था। उस मीटर से ये पता चलता था कि सिग्नल कितना है, ठीक है। वो मीटर लगा के एक सिग्नल को चेक करते थे। बाद में क्या हुआ, एक सिस्टम का यूज हुआ जो जिसका नाम था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर सिस्टम का ले लिया गया सिस्टम, और उसके अंदर सिग्नल को चेक करना पॉसिबल हो गया कि इसके अंदर हम डिजिटल तरीके से सिग्नल को चेक कर सकते थे कि सिग्नल कितना आ रहा है, कि सिग्नल जितना सिग्नल आ रहा है एक एप्लीकेशन हमें बताने लग गया। जैसे टीवी के अंदर आप डिजिटल तरीके से सिग्नल को चेक कर सकते हैं, और साथ में टीवी के अंदर चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर चेक कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में भी ये चेक कर सकते हैं। आपको डिजिटल तरीके से दिखाता है। टीवी के अंदर सिग्नल को आप चेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर आपके पास सिग्नल कितना आ रहा है वो डिजिटल शो करता है। साथ में तो इधर एनालॉग लाइन होती है जो कि फिक्स नहीं होती, और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन सिस्टम से आपको सिग्नल शो होता है टीवी में और मोबाइल में भी। आप डाउनलोडिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, सिग्नल कितना आ रहा है आप कभी देखना, जब आपका डेटा ऑन होता है तो उसके पास सिग्नल फ्रिक्वेंसी चलती रहती है कि सिग्नल आपके पास कितना आ रहा है, केबी में, एमबी में, ये सब कुछ आपको शो होता है। तो टीवी और रेडियो सिस्टम के लिए भी ये, आज हम अगर आपने देखा होगा रेडियो सिग्नल, हमारे मोबाइल में रेडियो सिग्नल भी है, आपके पास रेडियो का ऐप भी है, सिग्नल भी पता चलता है, डेटा ट्रांसफर भी पता उसके अंदर चलता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो नाम है माइक्रोवेव। एप्लीकेशन सिस्टम में ये हो गया कि जितना भी सिग्नल का आज वर्क है वो किस टाइप से हो गया, एप्लीकेशन सिस्टम हो गया है कि एक एप्लीकेशन से सिग्नल सिस्टम को शो किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि माइक्रोवेव क्या है। नेक्स्ट, माइक्रोवेव स्टूडेंट, माइक्रोवेव क्या है, हम माइक्रोवेव के बारे में जानते हैं। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिग्नल, जो सिग्नल है वो हाई फ्रिक्वेंसी का हो, कितना, 1 गीगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज तक हो, और इसके लिए एंटीना लगाए गए हो। इसके लिए क्या लगाए गए हो, एंटीना स्टूडेंट, एंटीना लगाए गए हो, और इन एंटीना से डेटा को क्या है, सिग्नल, हाई सिग्नल दिया जा रहा हो, और ये एंटीना जो एक दूसरे के सामने लगाए गए हो, ये एंटीना एक दूसरे के सामने लगाए गए हो, तो इनके अंदर जो सिग्नल, जब यहां से सिग्नल जो दिया जा रहा है, जो एक दूसरे के सामने है, यहां पर जो यूजर होते हैं इस सिग्नल का यूज करते हैं, इस सिग्नल का स्टूडेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब 1 गीगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज तक, थ्री हंड्रेड गीगाहर्ट्ज तक सिग्नल को जब सेंड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं। माइक्रोवेव, इतना हेवी सिग्नल होने से यूजर के पास जो मोबाइल होता है तो उसके अंदर कभी देख लेना, सिग्नल जो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी बनी होती है आजकल, ये फ्रिक्वेंसी अगर इनके यूजर, यूजर के ये पास बना हो, मान लेते हैं कि आपके घर के आसपास हो ये टावर आसपास, तो आप देखना सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज्यादातर फिक्स रहती है, मतलब सिग्नल जल्दी से डाउन नहीं होता, ये जैसे जैसे दूर होते हैं वैसे वैसे ये फ्रिक्वेंसी डाउन होती है। अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग ऐसे एंटीना लगाए जाते हैं, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग माइक्रोवेव सिग्नल बनाए जाते हैं, लेकिन हाँ ये एक दूसरे के सामने होने चाहिए, ठीक है। इनके चारों ओर, इनके हर साइड ऐसे रिपीटर लगाए जाते हैं, बीच चारों ओर, अब एक रिपीटर नहीं होता, इसके हर साइड रिपीटर होते हैं। इन्हीं रिपीटर से क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफर होता है, सिग्नल को फैलाया जाता है, ठीक है। अब इधर, इधर अगर बनाया जाए रिपीटर, इधर अगर रिपीटर लगाया जाए तो एक टावर या एंटीना यहां लगाया जाता है ताकि ये इसके सामने हो, मतलब ये एंटीना एक दूसरे के सामने
लगाए जाते हैं और इनके अंदर क्या सेंड किया जाता है, माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक सिग्नल को सेंड किया जाता है। तो स्टूडेंट आप माइक्रोवेव को नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे। एक होता है एंटीना, एक टॉपिक है एंटीना। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि इन्होंने एक पेनाबोलिक डिश बनाई है और एक हॉर्न डिश बनाई है। एक पेनाबोलिक डिश है और एक हमारे पास कौन सी डिश है, हॉर्न डिश है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों कौन सी होती है। हम इसके अंदर एंटीना के अंदर एक डिश बनाते हैं और ये हमारी डिश है, और इधर भी क्या बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं, और यहां पर एक सैटेलाइट बना देते हैं। स्टूडेंट एक ध्यान रखना, ये हमारे पास जो हॉर्न डिश है, ये हमारे पास हॉर्न डिश है, इससे क्या होते हैं सिग्नल को सेंड किया जाता है। इससे क्या होगा, सिग्नल को सेंड किया जाता है। हॉर्न डिश से हमेशा सिग्नल को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। कहां सेंड किया जाता है, स्काई सैटेलाइट में। स्काई सैटेलाइट में सिग्नल को सेंड किया जाता है, स्काई सैटेलाइट में सिग्नल को सेंड किया जाता है। और पेनाबोलिक जो डिश होती है, इसके द्वारा क्या होता है, इससे ये सिग्नल को एक्सेप्ट किया जाता है, इससे ये सिग्नल यूज किए जाते हैं। मतलब यहां से ये सिग्नल को सेंड किया जाता है और यहां से इस डिश में लाया जाता है। जब ऐसा सिस्टम बनाया जाता है तो सिग्नल कौन सी डिश के द्वारा सेंड होते हैं, हॉर्न डिश के द्वारा, और जो एक्सेप्ट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, पेनाबोलिक डिश के द्वारा ये सिग्नल एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये स्टूडेंट आपका अनगाइडेड मीडिया था जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अनगाइडेड मीडिया क्या था, सारा का सारा कंप्लीट टू कंप्लीट क्या था, अनगाइडेड मीडिया ऑल टू ऑल वायरलेस टेक्नोलॉजी थी। आप इसका नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे। अनगाइडेड मीडिया स्टूडेंट क्या था, अनगाइडेड मीडिया मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि जिसके अंदर ओनली फॉर सिग्नल का यूज किया हो। सिग्नल स्टूडेंट कौन कौन से मैंने बताए आपको, एक तो आपको ये बता दिया, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। दोबारा से इसका ओवरऑल देख लेते हैं कि जिसके अंदर सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए एंटीना सिस्टम का यूज किया जाए, और फिर इस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाए। ये सारा का सारा कौन सा मीडिया आ गया, अनगाइडेड मीडिया आ गया, जिसके अंदर सिग्नल है जो एक एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि इसके अंदर जब आप सिग्नल को अपने ही आसपास बनाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि आप वाईफाई ऑन करते हैं या हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, आपको आसपास जो सिग्नल मिलते हैं, लोकल एरिया मिलते हैं, जो उसी जगह या उसी एरिया में यूज होते हैं, जो मैंने आपको क्या बताए थे, ग्राउंड सिग्नल बताए थे। कौन से सिग्नल होते हैं, ग्राउंड सिग्नल होते हैं, और जो यहां से सिग्नल एक ही लाइन में या आमने सामने जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइन और साइड सिग्नल होते हैं। एक आपको पेनाबोलिक सिग्नल बताए थे, पेनाबोलिक सिग्नल, अब देखो ये भी एक डेटा ट्रांसफर करने का एक सिस्टम आ गया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पेनाबोलिक सिस्टम होता है, जो किसी डिश के द्वारा सेंड किए जाते हैं, कि एक डिश होती है, ठीक है, इस डिश के द्वारा सेंड किए जाते हैं, यहां से इस डिश के द्वारा किसमें सेंड किए जाते हैं, सैटेलाइट में सेंड किए जाते हैं। ये एक सैटेलाइट होता है और इस सैटेलाइट से हम दूसरी डिश सिस्टम से इसे क्या करते हैं, यूज में लाकर डेटा को देखते हैं। यहां से सिग्नल हमें मिलता है और इस सिग्नल से हमें क्या होता है, डेटा डिस्प्ले होता है। तो ये सारा का सारा किस में आ गया,
ये सारा अनगाइडेड मीडिया में आ गया। फिर हम बात करते हैं इसके साथ साथ, ये तो डिस्कस सिस्टम हो गया, फिर एंटीना का भी सिस्टम हो गया, और इसके बाद हमने ये भी है कि इसमें मोबाइल सिस्टम का भी हो गया। ये सारा का सारा सिस्टम आज देखो, आज जितना भी हो गया वो कौन सा हो गया, वायरलेस टेक्नोलॉजी हो गया है। मतलब पहले वायर टेक्नोलॉजी थी और अब कौन सी टेक्नोलॉजी हो गई, वायरलेस टेक्नोलॉजी हो गई। तो कल हम स्टूडेंट कौन सा पढ़ेंगे, हम इंफ्रारेड पढ़ेंगे टॉपिक, इंफ्रारेड के बारे में जानेंगे। आज हमारा अनगाइडेड मीडिया हो गया है, इसके अंदर हम एंटीना के बारे में हो गया, मोबाइल सिस्टम के बारे में हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो हो गया सब, और रेडियो के बारे में हम देख लिया कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसियां होती है जिससे क्या चलते हैं, टीवी और रेडियो, और जिससे मोबाइल चलते हैं वो कौन सा है, माइक्रोवेव। जिससे मोबाइल चलते हैं वो क्या है, माइक्रोवेव। जिस टेक्नोलॉजी से मोबाइल को सिग्नल आते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, माइक्रोवेव में आते हैं। ये सारे के सारे सिग्नल यूज करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, एक बात याद रखना कि स्टूडेंट ये सिग्नल यूज करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, जो आप कहते हैं टावर, इनके लिए एंटीना लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा किस में आता है स्टूडेंट, नेटवर्क में आता है। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ये सिग्नल बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या लगाने पड़ते हैं, एंटीना लगाने पड़ते हैं, और या फिर हॉर्न और पॉलिश डिस्क लगाई जाती है, हॉर्न और पॉलिश डिस्क का यूज किया जाता है, और साथ में सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर सिर्फ इतना ही है, वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए डिस्क का यूज होता है, एंटीना का यूज होता है, और सैटेलाइट का यूज होता है। इन सबसे मिलके क्या जनरेट होता है, अनगाइडेड मीडिया बनाया जाता है, इससे यही क्रिएट होता है। अनगाइडेड मीडिया के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये टेक्नोलॉजी आपने देखी भी है, ये भी और ये भी, ठीक है। और कैमरे चलाने के लिए भी आज हम लाइन और साइड सिग्नल सिस्टम का यूज होता है कि एक दूसरे के सामने एंटीना लगाए जाते हैं, जिससे एक यहाँ पर कैमरे, इस डिपार्टमेंट के जो कैमरे हमने यहाँ पर देखने हैं तो भी यहाँ पर सिग्नल को जनरेट करके सिस्टम बनाए जाते हैं। कौन से सिस्टम बनाए जाते हैं, वायरलेस सिस्टम बनाए जाते हैं, मतलब अनगाइडेड मीडिया सिस्टम बनाए जाते हैं। तो हमारा ये टॉपिक स्टूडेंट हो गया है, आप सभी को इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए।